हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान और भारत के बीच कई तरह के बंटवारे हुए थे। उस दौरान कई बॉलीवुड स्टार भी पाकिस्तान में अपना घर छोड़ के भारत में बस गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बॉलीवुड स्टार्स का आज भी पाकिस्तान से काफी गहरा संबंध है। आज भी इन लोगों का घर पाकिस्तान में है। वहीं क्या आप जानते हैं कि कई बार उनको ट्रॉलिंग का सामना तक करना पड़ा। कई बार बॉलीवुड स्टार्स को पाकिस्तान से संबंध के तौर पर कई बार ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा। वहीं कहीं बॉलीवुड स्टार्स को अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन के तौर पर भी सामना करना पड़ा। तो आज हम आपके सामने इस रिपोर्ट में लेकर आए हैं उन सारे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जिन जिन के कनेक्शन आज भी पाकिस्तान से हैं। आज भी वो सभी बॉलीवुड स्टार्स पाकिस्तान से संबंध रखते हैं और आज भी उनके घर पाकिस्तान में मौजूद हैं। और कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने कई बार उन लोगों को उनके घर की फोटोज तक सेंड की है। कई बार बॉलीवुड स्टार्स को अपने जन्म वाले घर को देखने का मन किया तो पाकिस्तान से उनके लिए स्पेशली फोटोज आ गई, स्पेशली उनको उनके घर की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि अब उनके वो घर खंडर बन चुके हैं लेकिन आज भी उनकी यादें उस घर से इतनी ही जुड़ी है। वहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो आखिर क्या वजह रही जो उन्होंने अपना जन्म सिद्ध घर ही छोड़ दिया और भारत में आके नाम बदल कर रहने लगे। तो आज हम आपके सामने इस रिपोर्ट में उन्हीं बॉलीवुड स्टार्स के बारे में खबर लेकर आए हैं जिन्होंने अपने नाम बदले और अपना पाकिस्तान का घर छोड़कर भारत में आकर बस गए। तो चलिए हमारी देखें ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से बॉलीवुड के कई सितारों का पुराना नाता रहा है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं जिनके पूर्वज पाकिस्तान में रहा करते थे। कुछ सितारे तो ऐसे भी हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक का जन्म पाकिस्तान से काफी पुराना माना जाता है। बता दें संजय दत्त के पिता सुनील दत्त पाकिस्तान में जन्मे थे लेकिन बंटवारे के समय सुनील दत्त का पूरा परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ गया था। वहीं बात करते हैं दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुए थे। हालांकि बंटवारे की वजह से वो भारत आ गए और पाकिस्तान को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। लेकिन आपको बता दें कि दिलीप कुमार का आज भी पाकिस्तान में घर है और हाल ही में सोशल मीडिया में उनके पुराने घर की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। आज भी दिलीप कुमार उस घर को काफी याद करते हैं क्योंकि उस घर में दिलीप कुमार का जन्म हुआ था। दिलीप कुमार का आज भी वहां पर घर उसी तरह से स्थापित है जिस तरह से पहले हुआ करता था। लेकिन अब वो दिलीप कुमार का घर एक खंडर बन चुका है। वहीं पर पाकिस्तान के कुछ पत्रकार भी दिलीप कुमार को अक्सर उनके घर की तस्वीरें भेजा करते हैं। वहीं बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की मां का जन्म पंजाब के लायलपुर में हुआ था जिसे अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम सरदार खजान सिंह था जो पंजाब में बैरिस्टर थे। वहीं पाकिस्तान का कनेक्शन अमिताभ बच्चन से भी है। आज भी अमिताभ बच्चन के दिल में पाकिस्तान को लेकर दया भावना देखने को मिलती है। वहीं आपको बता दें हाल ही में कुछ फोटोज वायरल हुई थी। आपको बता दें कि जब अमिताभ बच्चन और के परिवार जया बच्चन के खिलाफ कई बातें ट्रॉलिंग में सामने आई थी तब एक ऐसी तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें अमिताभ बच्चन को अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ देखा गया था जिसके तहत ये भी माना गया था कि अमिताभ बच्चन का अंडरवर्ल्ड डॉन से भी कनेक्शन है। वहीं बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान तो अपने संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक के उनके संबंध उन तक हैं और ये बातें कई बार सामने भी आ चुकी हैं। सुशांत केस में भी शाहरुख खान को काफ़ी ट्रोल किया गया था। कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तान से जुड़े कई लोगों के साथ शाहरुख खान दिखाई दे रहे थे।
वहीं बता दें शाहरुख खान के पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान है, जो पाकिस्तान में जन्मे थे लेकिन बंटवारे के बाद वो दिल्ली आकर बस गए थे। आज भी शाहरुख खान का गहरा संबंध है पाकिस्तान से। वहीं बात करते हैं 90 के दशक के मशहूर अभिनेता रहे गोविंदा के पिता और बॉलीवुड अभिनेता अरुण कुमार आहूजा पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। हाँ, शायद ही किसी को पता हो कि गोविंदा के पिता अरुण कुमार भी पाकिस्तान में ही जन्मे थे और गोविंदा का भी घर पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। वहीं बात करते हैं राज कपूर। राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर पाकिस्तान में जन्मे थे लेकिन बंटवारे के बाद वो भारत आकर बस गए। पृथ्वीराज कपूर की हवेली आज भी पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में स्थित है। आज भी राज कपूर ने अपनी उस हवेली को नहीं भेजा था तो आज भी राज कपूर की वो हवेली आलीशान हवेली वहां ही मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक उस हवेली पे कोई तरह का काम शुरू नहीं किया क्योंकि वो हवेली राज कपूर के नाम पर आज भी है। तो गोविंदा का नाम सुनकर तो आप सभी दंग रह गए होंगे। जी हाँ, गोविंदा के पिता भी पाकिस्तान से ही हैं और आज भी गोविंदा का घर वहीं पर है, आज भी मौजूद है। आज भी हमारे यहाँ के बॉलीवुड स्टार्स के घरों को उनकी तस्वीरों के साथ खंडर के तौर पर छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के लोग हमारे बॉलीवुड स्टार्स के घर देखने के लिए वहां पर कई बार मौजूद भी होते हैं, चाहे फिर वो दिलीप कुमार हो। दिलीप कुमार की तो पाकिस्तान में बहुत ही डिमांड है। पहले दिलीप कुमार का नाम मुसलमानों की तरह हुआ करता था, दिलीप कुमार ने अपना नाम यहां पर आने के बाद बदला। वो सिर्फ बॉलीवुड में दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं लेकिन दिलीप कुमार का असली नाम दिलीप कुमार नहीं था। जी हाँ, आपने हमारी इस रिपोर्ट में सब कुछ देखा, वही अमिताभ भी पाकिस्तान से ही थे। अमिताभ का घर आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। वहीं पर कई ऐसे स्टार्स हैं जो आज भी पाकिस्तान आते जाते देखे गए हैं, कई बार उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। आपने हमारे इस वीडियो में वो सारी तस्वीरें भी देखी, शाहरुख खान की तस्वीरें भी देखी। शाहरुख खान को तो अनवल डॉन्स के साथ भी उनके कनेक्शन को बताया गया और कहा गया कि वो हमारे भारत के खिलाफ है, वो हमारे भारत के लिए इतना दया भाव नहीं रखते जितना वो पाकिस्तान के लिए रखते हैं और पाकिस्तान के लोगों के लिए रखते हैं। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड स्टार्स के कनेक्शन हमारे दुश्मन मुल्क से बराबर हैं और आज भी हैं। आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में पाकिस्तान के लिए दया भाव है, आज भी वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।